हेलो एवरीवन, नेमत के किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इटालियन रेसिपी रावियोली बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है। ये रेसिपी उन लोगों को बहुत पसंद आने वाली है जिन्हें अंडे का टेस्ट और स्मेल पसंद आता है, और जिन्हें अंडे का टेस्ट पसंद नहीं वो इसमें अंडा स्किप कर सकते हैं। और ज़्यादा हेल्दी वर्जन बनाने के लिए मैदे की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो अंडा इस्तेमाल किया है, जिसमें एक अंडे की सफ़ेदी मैंने बचा के रखी है। ज़्यादा रिच कलर और टेस्ट के लिए आप इसमें एक और अंडे की जर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक अंडे का लिजलिजापन मैदे में दिखता है तब तक मैं इसे फोर्क से ही चलाती रहूँगी, और इसमें बाहर से पानी इस्तेमाल नहीं करना है। पानी की जगह एक वाइट डाल करके ही इसका डो तैयार करना है। इस तरह से तैयार किया हुआ डो काफ़ी स्टिकी बनेगा और देर तक गूथने की वजह से इसमें ग्लूटेन डेवलप करेगा। तब जाकर एक ऐसा डो तैयार होगा जिसे आप पतली शीट बना सकेंगे। तो यहाँ पर आप एक वाइट डालें, हाथों से गूँथते हुए इसका एक डो तैयार कर लें। अभी ये काफ़ी रफ़ और कड़ा दिखेगा। अब यहाँ पर एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालें और यहाँ से हाथों की मेहनत शुरू होती है। हथेली के निचले सिरे से दबा दबा कर और खींच खींच कर इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक गूंथ लेना है। इस तरह से इसकी सरफेस चिकनी हो जाएगी और गूंथते गूंथते ये मुलायम हो जाएगा। बहुत मुशक्क़त होती है लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होता है। इसी डो से आप डिफरेंट टाइप का हैंडमेड पास्ता बना सकते हैं, लज़ानिया शीट भी बना सकते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं या जहां खाने पे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है उन्हें इस काम में बड़ा मज़ा आएगा। तो इस तरह से गूँथते गूँथते आप देख सकते हैं कि एक चिकना सा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसे भीगे कपड़े से ढककर रख दें। एक ड्राई कीमा तैयार कर लें, मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप इसे ज़रूर देख लें। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये आटा कितना अच्छा, कितना मुलायम और सॉफ्ट हो चुका है। अब इस डो से एक बड़ी सी लोई तोड़ लें और उसे लेंथ वाइज बेल लें। मैंने यहाँ पर 4 रावियोली एक साथ बनाई है। अब इसे ढक दें और रवियोली कटर से इसे काट लें। अगर कटर नहीं है तो चाकू से भी इसे काट कर फोर्क से इस पर निशान लगा दें। रवियोली कई शेप और डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। इसको ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। मैंने इस यहाँ पर सबसे आसान तरीका अपनाया है और बचे हुए डो से सिंगल पीस में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब एक पैन में पानी गरम कर लें, उसे कुछ फ्रेश और ड्राई हर्ब से सीजन कर लें और उसमें अपनी सारी रवियोली को डाल दें। 5-6 मिनट में रवियोली तैयार हो जाएगी और ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगी। तो इस तरह से आप इसे बनाकर एक प्लेट में छानकर निकाल लें। तैयार होने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल सी फूड जैसा लगता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। अब इसका ब्रोथ इसके ऊपर डाल दें ताकि इसकी नमी बनी रहे। एक पैन में ओलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल डालें, इसमें कटी हुई लहसुन डालें और कुछ बेसिल लीफ डालें। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दें और फिर रवियोली को इससे सीजन कर दें। इससे इसका टेस्ट एनहेंस कर जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसे कीमा वाली सॉस के साथ परोसें या किसी भी शोरबे के साथ परोसें। तो इस तरह से इसे बनाएं, खाएं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।